नमस्कार साथियों, एरा संस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इस वीडियो को अगर प्ले किया हो तो काफी परेशान होकर किए होंगे या किसी चीज को लेकर डाउट होकर आपने इस वीडियो को प्ले किया है। इस वीडियो को प्ले वही विद्यार्थी किए हैं जो एडमिशन कॉलेज में लेने के बाद में परेशान है। आज इस वीडियो के अंदर अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में क्या डिफरेंट है, क्या इन न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों का भविष्य है अंधकार में या सही है। अपन इस वीडियो के अंदर अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, आपको जो मोर इन्फॉर्मेशन या जो सबसे पहले नोटिफिकेशन दी जाती है या आपको सोर्सेज में शॉर्ट न्यूज़ दी जाती है आपको अपडेट आपके बीएससी ऑनर्स से रिलेटेड, तो आपको मैं बता देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल का जो आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसको सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। अब बात आती है आपको जो मेन छोटी छोटी न्यूज आती है, आपको बताया जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है या फिर सिलेबस को लेकर जो अपनी एरा टीम बैठा करती है वो बैठा करती है इंस्टा पेज पर। इंस्टा पेज है अपना एरा वाइड 13 के नाम से, इस पेज को पहले तो सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर अगर इस संस्थान से जुड़े हो तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है बच्चों, ठीक है। अब बताओगे कि सर कैसे, देखो बच्चों अगर इसको ज्वाइन कर लोगे आप पेज को बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी ओल्ड पेपर चाहिए तो आप तुरंत जाइए फॉलो कीजिए। यहाँ पर फॉलो का बटन आता है, फॉलो करने के बाद मैसेज आता है, मैसेज कीजिए, आपका हर मैसेज का रिप्लाई आएगा। और ऐसे नहीं कि आज किया दो दिन बाद मेरा कल आ रहा है, हाथ तो हाथ तुरंत आएगा, ठीक है। बात हो गई, ये एक अलग पार्ट है, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। बात आती है अपने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की, न्यू गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे पहले तो बता देता हूं मैं, जो इनमें पढ़ रहे विद्यार्थी वो ऐसे समझ लो कि बहुत परेशान है, ऐसे समझ लो कि जो बोलते हैं ना कि पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसा लगता है इनमें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज इनमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई छोड़ दी है हमने। क्यों लगता है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं बच्चों, 2021 या 2021-22 के अंदर राजस्थान सरकार ने 29 कॉलेज कृषि महाविद्यालय खोले थे, उसके बाद में वापस से 2023 के अंदर उन्होंने खोले कितने, 5 पता नहीं 6, वापस 2024 में खोल दिए उन्होंने कितने, 22 में तो खोले कितने बच्चों 29, और 23 में खोले कितने 6 या 5 के समथिंग, 6 या 5 के समथिंग ऐसा रेशियो है। 24 में वापस से 9 खोल दी, टोटल कितनी 9 और 6 कितनी हुई बच्चों 15 15 9 कितनी हुई आपकी 15 5 ही हो गई और 4 24 24 का 4 और 5 2 6 7 8 9 ये तो ज्यादा हो गई ना। अच्छा ऐसे समझ लो, अपने ये 5 गलत लगा दिए हैं, ऐसे समझ लो कि 29 तो ये हो गई, 29 में छेद करें तो कितनी हुई आपके 35 35 और 9 आपके 44 ऐसे मान लो आपके 40 से लेकर 44 कॉलेज ओपन न्यू हो चुकी है। अब सोच सकते हो क्या भविष्य क्या नहीं है। पहले ऐसे अपनी जो एग्रीकल्चर की डिग्री है ना, एग्रीकल्चर की बच्चों डिग्री वो एक प्रोफेशनल है, क्या है बच्चों प्रोफेशनल, इसमें भी धीरे धीरे कचरा करने लगे हैं बच्चे, परेशान है इस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर कि सर हमारे को यहाँ तक की क्लासेज नहीं मिलती है, और रियलिटी तो यही है कि क्लासेज बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जहां पर भी है ना उनकी स्थिति मैंने हर कॉलेज में जाके देख के आया हूँ, प्रॉपरली बच्चों से मिल के आया हूँ, इस यूट्यूब के कारण क्लासेज के कारण उनको बच्चों को समझा के आया हूँ किस प्रकार से पढ़ना है कितनी सब्जेक्ट, यहाँ तक बच्चों को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट चल कौन से रहे कितने सब्जेक्ट चलेंगे। अभी 6 डीम कमेटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस न्यू जारी किया था वो भी नहीं पता अभी तक, कौन से सब्जेक्ट हमारे अटे कौन से सब्जेक्ट हमारे एड हुए ये भी नहीं पता बच्चों को, ऐसे समझ लो बच्चों का भविष्य अंधकार में। हाँ मानता हूँ डिग्री है वो गवर्नमेंट मिलेगी अपने को, प्रोफेशनल मिलेगी,
पर जो एग्रीकल्चर अगर अपन जो फील्ड या स्ट्रीम चुने हैं वो किस चीज को लेकर चुने हैं कि हमारे को कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर के अंदर अपन को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैन अपन ने स्ट्रीम चुनी है या एग्रीकल्चर ली है वो एक कुछ सीखने के लिए, फील्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए ली है ना। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के तो हालात ऐसे हैं कि फैकल्टी तो छोड़ो, यहाँ तक कि बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि बोल सकते हैं कि आपकी टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। बच्चे कहाँ जाए, किसको दे, ऐसे समझ लो रातों दिन धरने देते रहते हैं कि हमारे फैकल्टी लग जाए कैसे जैसे। पर जो सरकार है वो भी निकम्मी है, क्योंकि बच्चों की नहीं सुना करती है। कई बार कई जो 2022 से ये बच्चे संघर्ष करते रहते हैं, कर रहे हैं, अभी 23-24 में भी बच्चे जो न्यू आए हैं वो भी ऐसे संघर्ष करें कि हमारे फैकल्टी लग जाए। पर मैं यूं कहता हूं ऐसे धरने बहुत दिए हैं बट होने वाला कुछ नहीं है। जब उनके माइंडसेट में आएगी कि इनको अंडर में ले ले कॉलेजों को, तो तब जाके आपकी फैकल्टी वगैरह लगा सकते हैं। मैं यूं कहता हूं अगर जो फ्रेशर स्टूडेंट है ट्वेल्थ के अंदर वो तो अगर एडमिशन लिए तो उनका तो भविष्य अंधकार में, भाई क्यों लिया है। अगर तूने 2 महीने की तैयारी में तूने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 150-200 नंबर लिया तो मान अगर 6-7 महीने या फिर 1 साल की लॉन्ग ईयर की अगर तैयारी कर लेता तो अच्छा कैंपस मिलता तेरे को, यूनिवर्सिटी मिलती भाई। इनमें कुछ ही नहीं रखा है, आपने रिपोर्टिंग करवा ली है अच्छे से, आपको पता है अभी 1-2 क्लासेस लगी है, अगर लगी है तो कोई गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आई है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है कॉलेजों के अंदर। बच्चों की छुट्टियां दे दी है, दीपावली तक की छुट्टियां की मजे करो, उसके बाद में बच्चों को एक ही मैसेज आता है, बच्चों को कब याद किया जाता है, ये तो कोई पेपर होता है, मिड टर्म होता है या प्रैक्टिकल होता है कि बच्चों इतनी फलानी फलानी तारीख को आपका प्रैक्टिकल है, आपको देने आना है, इतना ही होता है। क्लासेज का तो कभी आता ही नहीं है ना, क्लासेज कभी लगती है तो बच्चों को कहाँ से नॉलेज होगा, क्या होगा। दूसरी बात, बच्चों की बैग काफी आती है, अगर फैकल्टी नहीं रहेगी, अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी बच्चों को तो कहाँ से कर पाएंगे इतनी सब्जेक्ट कवर। बच्चों 10-10 सब्जेक्ट आती है आपके, तो कहाँ से कैसे कर पाओगे इतनी सब्जेक्ट। इसलिए आपका जो भाई है वीसी सर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, एनी टाइम एनी डे एनी नाइट, कभी भी अपने भाई को याद रखना आप, एनी टाइम आपके साथ खड़ा रहेगा। 10 सब्जेक्ट चलते एक सेमेस्टर में, 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है आपके, कैसे कर पाओगे 10-10 सब्जेक्ट, कोई नहीं कर पाता इतनी जल्दी। इसलिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपको डाउट टू क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिलेगी, रजिस्ट्रेशन करवा लो आप, रजिस्ट्रेशन 7300091167 इन नंबरों पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और क्लासेज स्टार्ट करो बच्चों। मैं तो यूँ कहता हूँ आप फैकल्टी के या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत हो, खुद के ऊपर अगर जब तक डिपेंड नहीं हो गए जब तक कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी करोगे तभी जाके आपकी जो सब्जेक्टों के अंदर ब्रेक नहीं आएगी। और अगर आप नहीं पढ़े फैकल्टी के भरोसे बैठे रहे तो ब्रेक आना निश्चित है, वापस से उनके एग्जाम दो। अरे चल छोड़ो, पैसों की दवा छोड़ो कि आपने वापस से उनके रिचेकिंग अकाउंट के या रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी जो डिग्री 4 साल की होती है वो बच्चों 5 साल पे 6 साल पे जाएगी तो अपने घरवालों को क्या बोलेंगे, ऐसे बताओ आप घरवालों को क्या बोलेंगे कि हम पढ़े नहीं, हमारे को पढ़ाई नहीं, वो चीज़ मायने नहीं रहती। जब रिजल्ट आता है आसपास के समाज के जो माहौल होता है वो एक ऐसा होता है उस टाइम नहीं पता रहता, पेरेंट्स वाले को ये ताने सुनाते तुम्हारा बेटा बाहर जाके पढ़ा नहीं कुछ नहीं करा, समाज वाले को आस पड़ोसी को ये दिखता है कि रिजल्ट कैसा रहा, वो ऐसे नहीं देखेंगे कि आपकी फैकल्टी नहीं दी आपको, फैसिलिटी नहीं दी गई थी, वो उनको नहीं दिखती। रिजल्ट आने के बाद में उनको एक ही चीज दिखती है, फेल हुआ है पास हुआ है, इतना सा देखते हैं लोग। इसलिए बोलता हूँ सेल्फ स्टडी करो, आपके कोई काम नहीं आने वाला है। जब आप सोचोगे कि हमारे घरवालों कैसे बोल देंगे फैकल्टी नहीं है फैसिलिटी नहीं है आस पड़ोस वालों को, वो तो एक ही चीज सोचेंगे पढ़ा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिली है तो फैकल्टी तो रहेगी जैसी बात है, बट फैकल्टी नहीं है ये कोई नहीं देखा कि आप फैकल्टी है कि नहीं है। हमने भी तो किया है ना यार कवर, सेल्फ स्टडी करो और पढ़ो आराम से। और आपके तो अभी गाइड करने वाले भी काफी हो गए, यूट्यूब चैनल आ गए आपके, अच्छे अच्छे आपके सुपर बॉस हो गए तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और अगर सुपर बॉस और बॉस नहीं गाइड करे तो आप एरा वाइब तेरा को ज्वाइन कीजिए, जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ की, हर जो आपकी डाउट होता है, हर आपकी परेशानी का समाधान मिलता है इस चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिए आज ही बच्चों।
सबसे पहले तो बता देता हूँ, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का भविष्य में सीधे से अंधकार में मानता हूँ। प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, बट ऐसा समझ लो कि आपके बहुत, मेरे को तो नहीं लगता एज ए कि हम टीचर के बिना पढ़ सके, या फिर इसलिए मैंने आपको ये जो यूट्यूब पर चैनल है उस पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे से जितने छोटे भाई बहन हैं उनके लिए मैं जितना हो पा रहा है उससे बेहतर करता ही जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्लासेस की तो छोड़ो आप, अगर लगेगी तो ले लेना कॉलेज में, और अगर नहीं लगेगी तो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। लगे चाहे नहीं लगे, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के भविष्य से कि यहाँ पे बैठने की तक की व्यवस्था नहीं है, छोड़ो बैठने तक की व्यवस्था को अपने को नहीं चाहिए, वॉशरूम नहीं चाहिए हमारे को, हमारे को तो मेन चाहिए था यार फील्ड। अगर फील्ड में जब तक नहीं सीखोगे जब तक कुछ नहीं होगा। फील्ड भी आओ हमारे पास, आपको देंगे फील्ड यहाँ पर, सब कुछ देंगे आपको। ज्वाइन हो जाइए इस चैनल पे, आपको हर चीज़, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगी उसमें कोई भी प्लांट आ गया, आपको किसी भी चीज़ को लेकर, टॉपिक को लेकर, तो आपको समझाया जाएगा हर चीज़ इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको इसी पेज पर। अब जैसे आपको एक मैं बताता हूँ कि कुछ एक नॉर्मल सा बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाएगा इसी पर। तो जैसे यहाँ पर जाएंगे अपन, तो जैसे मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, अपने को मैंगो को देखना है, मैंगो के बारे में कोई टॉपिक आ गया तो मैंगो के बारे में देखते हैं। चलो मैंगो आ गया अपना, अब मैंगो के बारे में देखो बच्चों, ये आ गया अपना, ये मैंगो, मैंगो कोई सा भी ले लो, जैसे ये आ गया मैंगो, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आया अपन। अब मैंगो के बारे में अपन, इसकी वेराइटी के बारे में अपन संपूर्ण चर्चा कर सकते हैं बच्चों। ये देखो, ये आपका मैंगो हो गया, इसकी ऊपर वाली परत ये बाहरी मध्य वाली, और जो अंदर की है जो गुटी आती है वो अंदर है। अपन अच्छे से समझा समझा के इनको कवर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। हर चीज़ फील्ड की तरह आपको समझाएंगे, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने बता दिया 7300911167, ठीक है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस ज्वाइन करो। कोई यहाँ पर फील्ड नहीं मिलेगा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई आपको लैब नहीं मिलेगा, ना लाइब्रेरी मिलेगी, ना हॉस्टल मिलेगा, यहाँ तक कि कॉलेज में क्लास लेने के लिए आपको टीचर भी नहीं मिलेंगे, ना फैकल्टी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ करो सबसे बेटर, ये है आपकी सेल्फ स्टडी। जब तक नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। बात रहती है आपकी कहाँ से पढ़े, तो आपको एग्रीकल्चर आपको सफिशियंट कोर्स दिया जाएगा, जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है वही दिया जाएगा, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। नो टेंशन रहो, नो इजी वे में आप, नो टेंशन, ठीक है। अब बात आती है कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको वही पढ़ाएंगे जो पहले, मतलब एक अच्छी जगह पे हो, आपको एक अच्छी सफिशियंट देंगे कोर्स, ठीक है। तो वापस से कहता हूं, कॉलेज के भरोसे मत रहना, कॉलेज के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों, सीधी सी बात बता देता हूँ मैं। यहाँ ज्वाइन हो जाओ एरा वाइब 13 पर, इसको पेज को फॉलो कर लो, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली हर वीडियोस आपको क्लासेस सबसे पहले मिल सके, क्योंकि कॉलेज में ना फैकल्टी है ना यहाँ पर तक की व्यवस्था नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोर्सेज मिलने वाला है कि बहुत ऐसे समझ लो कि आपके लिए कारगर साबित रहने वाला है, ठीक है। तो मैं वापस से कहता हूँ, अगर जिन्होंने क्रेश कोर्स किया है तो उनके लिए तो मैं नहीं मानता कि आप अच्छी जगह पर हो, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था 12th के साथ, उनके लिए तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि वापस से अगर तैयारी कर लेता था, वापस से अगर अच्छे से तैयारी कर लेता तो आपका अच्छी जगह हो जाता। अगर 150-200 नंबर आप क्रेश कोर्स में ला रहे हो तो अच्छी जगह क्यों नहीं होता। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, एक नई क्लासों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो हर क्लासेज आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको क्लासेज लेनी है तो आपको मैंने बता दिया है, ज्वाइन हो जाओ चैनल, सब्सक्राइब कर लो और क्लासेज का एंजॉय लो, और पढ़ो लिखो और ऐसे स्वस्थ रहो मस्त रहो। थैंक यू।